दोस्तों, आप में से कई लोग अपने एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं और इनके बीच में डेटा को ट्रांसफर या फिर शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में आपको ये नहीं पता कि कैसे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के चैनल में। तो किसी भी दो कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए और इनके बीच में डेटास को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर बेसिकली मैं एक लेन केबल का यानी ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसकी मदद से आप आसानी से दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और इनके बीच में डेटास को ट्रांसफर या फिर शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आइए जान लेते हैं कि ये स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको दोनों कंप्यूटर सिस्टम को लेन केबल यानी ईथरनेट केबल से कनेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2, अब आपको अपने सिस्टम 1 के नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाके कुछ सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम 1 के कंट्रोल पैनल पे जाना है। तो जैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना। उसके बाद अब आपको यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस फीचर को टर्न ऑन कर देना है और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ईथरनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि आपका दोनों कंप्यूटर ईथरनेट केबल से कनेक्टेड हो चुका है। तो उसके बाद अब आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो आपको सिंपली उसके लिए इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो आपको सिंपली इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर IP एड्रेस डालना है। तो उसके लिए सिंपली आपको यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर IP एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली लोकल IP एड्रेस डालना है 192 उसके बाद 16811। तो यहाँ पर आपको ये IP एड्रेस डालना है और इसके बाद आपको नीचे सबनेट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबनेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सबनेट है वो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट गेटवे डालना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे डालना है जो कि है 192.168 और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है 1 और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है 2। ध्यान रहे यहाँ पर आपको ऊपर IP एड्रेस में 11 डालना है और यहाँ पर नीचे आपको 12 डालना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रेफर्ड DNS सर्वर में सारे कॉलम में 88 फिल करना है यानी 88 भरना है। तो ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपको सिंपली OK पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप OK पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा OK पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली इसे क्लोज कर देना है। तो इसके बाद आपके सिस्टम 1 में जो भी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 3, अब आपको अपने सिस्टम 2 के नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है और वहां पे जाके आपको कुछ सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम 2 के कंट्रोल पैनल पे जाना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स को एक्सपेंड करना है और उसके बाद आपको पब्लिक फोल्डर शेयरिंग फीचर को टर्न ऑन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग फीचर को टर्न ऑफ कर देना है और उसका सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ईथरनेट पे सिंपली डबल क्लिक करना है और IP एड्रेस को एंटर करना है। तो जैसे आप ईथरनेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको IP एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको IP एड्रेस एंटर करना है 192.168.1 और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एंटर करना है और उसके बाद सिंपली आपको सबनेट पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली सबनेट को ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट गेटवे को एंटर करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर 192.168.1.1
वन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम वन और सिस्टम टू दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिस्टम वन में डिफॉल्ट गेटवे ऊपर था और आईपी एड्रेस नीचे की साइड था, यानी यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस सिस्टम वन में डिफॉल्ट गेटवे में था, जबकि डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस सिस्टम वन में आईपी एड्रेस बना हुआ था। दोनों के बीच में ये चेंजेस है। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर पे 8.8 टाइप करना है और उसका सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। तो इसके बाद अब आपको चेक करना है, तो आपको सिंपली माय कंप्यूटर पे जाना है। माय कंप्यूटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा नेटवर्क का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर एक ही कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली रिफ्रेश करना है। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दो कंप्यूटर दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर दो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, तो ये दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। तो बेसिकली ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम वन सिस्टम टू दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद आप इन दोनों सिस्टम के बीच में किसी भी तरह के डेटास को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन दोनों के बीच में डेटास को शेयर कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों सिस्टम के बीच में अगर आप किसी भी तरह के डेटास, फाइल, फोल्डर्स, फोटोज, वीडियोज या फिर डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी फोल्डर पे जिस किसी भी डेटा को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली शेयर विद ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे स्पेसिफिक पीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एवरीवन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पे परमिशन लेवल ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों के बाद अब आपको सिंपली शेयर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर फोल्डर इज शेयर्ड, जिसका मतलब यह है कि इस नेटवर्क से जो कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है वो इस फोल्डर को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो इसके बाद अगर आप दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में जाएंगे और वहां पर जाके नेटवर्क के फोल्डर पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये फोल्डर दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो भी फाइल हमने सिस्टम वन से शेयर करा था उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो उसके लिए सिंपली आपको जिस कंप्यूटर सिस्टम से फाइल शेयर करा गया था उसे ओपन करना है अपने नेटवर्क पे जाके। तो यूजर पे जाने के बाद आपका जो भी अकाउंट था सिस्टम वन में उसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने फाइल शेयर करा था वीडियो टॉपिक वो आपको यहाँ पर फोल्डर मिल गया। उसके बाद आप चाहे तो इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप लेन केबल यानी ईथरनेट केबल की मदद से दो कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इन दोनों के बीच में डेटास को शेयर कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और मन में कुछ सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट उस पर कमेंट करें। और आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आपको क्वेश्चन मुझे ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू है और ये पहली बार देख रहे हैं और आपने भी लिखाना चाहे सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।